हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 17वां वीडियो है, और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 2। तो हमने इससे पहले एक वीडियो में भी एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न हल किए थे। अब हम इसी एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटे, तो हम सबसे ऊपर हेडिंग लिखते हैं यूनिट नंबर 12 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न। और बेटे ये अभ्यास प्रश्न का है भाग नंबर 2, यानी कि एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो है। कल भी मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। इन्होंने कहा है आईयूपीएसी वे साधारण आईयूपीएसी वे साधारण नाम लिखिए। आईयूपीएसी वे साधारण नाम लिखिए। देखो आईयूपीएसी नाम तो प्रत्येक यौगिक का लिखा जा सकता है, पर प्रत्येक यौगिक का साधारण नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटे। ठीक है, पर कोशिश करेंगे हम कि हर एक यौगिक का साधारण नाम भी लिख दें। इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया है इन्होंने, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिया है CH3, CH3 के बाद दिया है CO, फिर दिया है CH2 का होल 4, और फिर दिया है CH3। ठीक है बेटे, देखो आप इस चीज को समझ जाओ कि जैसे ये CH2 का होल 4 दिया है, इसका मतलब है CH2 को 4 बार लिखना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो CH3 CO, CH2 को कितने बार लिखना है? 4 बार। 1 2 3 4, और ये लास्ट में क्या है? CH3। तो रियलिटी ये है, ठीक है, वास्तविकता ऐसी है, हमें CH2 के होल 4 को खोल के लिख लेना है। अब आपको पता है नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि CO इधर से नजदीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग कर दी हमने। और आपको पता है 7 कार्बन वाला क्या है? एल्केनॉन। तो हेप्टेन टू ऑन इसका नाम होगा, हेप्टेन टू ऑन, ये है इसका आईयूपीएसी नाम। क्या है बेटे? आईयूपीएसी नाम पता है ना आपको, हेप्टेनॉन है और दूसरे पे कीटोन है, तो टू ऑन हमने लिखा है। अब बात आती है इसका साधारण नाम क्या होगा। इसका साधारण नाम होगा, देखो इसके इधर क्या है? मिथाइल ग्रुप, और इधर क्या है? 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटाइल। तो इधर मिथाइल और इधर पेंटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। इधर मिथाइल हो गया, इधर नॉर्मल पेंटाइल हो गया,
और बीच में CO है, उसे हम कहेंगे कीटोन। तो ये है इसका सामान्य नाम, पहले वाला IUPAC नाम और दूसरा क्या है सामान्य नाम। अब आ जाते हैं नंबर सेकंड पे, देखते हैं नंबर सेकंड में क्या दिया है। नंबर सेकंड में पहले दिया है बेटे CH3, CH3 के बाद है CH2, CH2 के बाद है CH, और CH के नीचे जुड़ा हुआ है Br। इन्होंने बराबर में दे रखा, मैंने नीचे जोड़ दिया, फिर CH2 है, उसके बाद फिर CH3 है, CH है और CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ है CHO एल्डिहाइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बताओ। 4 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल तो लिखोगे ही आप। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, और एल्डिहाइड में 6 कार्बन को आप क्या कहते हो, हेक्सेनल। तो हेक्सेनल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। अब बात करते हैं इसका सामान्य नाम क्या होगा। सामान्य नाम यहां लिखता हूं बेटे इस जगह, देखो CHO के बराबर वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा, गामा पे तो ब्रोमो है, गामा ब्रोमो, 4 की जगह गामा लिख दिया, और अल्फा पे है मिथाइल, तो अल्फा मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 6 कार्बन वाला, तो 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड को आप कह सकते हो कैप्रो एल्डिहाइड। क्या कह सकते हो, कैप्रो एल्डिहाइड। कैप्रो एल्डिहाइड का मतलब 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड। याद रखोगे सब। नंबर 3, सामान्य पद्धति को थोड़ा याद रखना पड़ता है बेटे। नंबर 3, इस बार इन्होंने दिया है CH3, और CH3 के बाद दिया है CH2 का होल 5, और इसके बाद दिया है CHO। तो CH2 का होल 5 तो आप समझ जाते हो, पहले तो CH3 लिख लो, ये लिख लिया हमने CH3, और CH3 के बाद आपको करना है CH2 का होल 5, यानी कि 5 बार CH2 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद लिखना है CHO। नंबरिंग आप कर ही दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बताओ कौन सा एल्केनल है, हेप्टेनल है ना, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनल। 7 कार्बन वाला एल्केनल हेप्टेनल, और इसे आप कह सकते हो एन हेप्टाइल एल्डिहाइड। सामान्य पद्धति में इसे कह सकते हो नॉर्मल हेप्टाइल एल्डिहाइड। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 ध्यान से देखेंगे सब। इन्होंने कहा है पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग। पीएच के साथ जोड़ रखा है सीएच, और फिर डबल बॉन्ड है, फिर सीएच है, और फिर है सीएचओ, ठीक है। जब आप इस पे नंबरिंग करोगे 1, 2 और 3, ऐसे ही तो करोगे, ये बेंजीन रिंग पे तो नंबरिंग होने की नहीं। तीसरे नंबर पे फिनाइल आ रहा है बेटे, और दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे तो आ गया फिनाइल, तीसरे पे तो फिनाइल है। और कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। प्रॉप दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2-ईन, और बेटे पहले नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप AL। ये हुआ इसका IUPAC नाम। अब यदि हम सामान्य नाम की बात करें, यहां लिखता हूं सामान्य नाम, देखो अल्फा बीटा, बीटा पे फिनाइल है तो आप लिख सकते हो बीटा फिनाइल, और 3 कार्बन वाले को एल्डिहाइड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोलीन, ACROLEIN,
ऐसा जो सी एच, यदि मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, CHO है ना, तो ऐसे एल्डिहाइड को हम एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? एक्रोलीन, जिसमें बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। अब आ जाते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5, यहां से लिखता हूं मैं नंबर 5। नंबर 5 में इन्होंने दिया है किस तरह का, तो साइक्लोपेंटेन दिया है और साइक्लोपेंटेन के ऊपर जोड़ रखा है ये CHO ग्रुप। ठीक है, साइक्लोपेंटेन के ऊपर क्या जोड़ रखा है? CHO ग्रुप। तो इसका नाम सिंपल सा है, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बल डिहाइड। बस एक बात ध्यान रखनी है, IUPAC नेम है ये, इसका हम IUPAC नेम लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। यहां से बताता हूं, नंबर 6, नंबर 6 पे इन्होंने दिया है C6H5 यानी बेंजीन रिंग, बीच में CO है और फिर C6H5 है। इसका बताना है हमें नाम। बताओ ये यौगिक पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था ना, इसका नाम है डाइफिनाइल मीथेनोन। कीटोन ही तो है, सीओ बीच में कीटोन है और दोनों तरफ एक एक क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग। ठीक है, वैसे आप इसे बेंजोफिनोन भी कह सकते हो, सामान्य पद्धति में इसे आप कहोगे बेंजो फिनोन। ठीक है, सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या होगा? बेंजोफिनोन होगा। ठीक है बेटे, अच्छा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आए हैं हम बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने कहा है निम्नलिखित व्युत्पन्नों की संरचनाएं बनाइए, निम्नलिखित व्युत्पन्नों, व्युत्पन्न तो पता है आपको, डेरिवेटिव की संरचना बनाइए। तो ये कुछ नाम दे गए हमें और उनकी हमें बनानी है संरचना। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। नंबर 1 पे इन्होंने कहा है बेंजल डिहाइड का 2-4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेट जोन, बेंजल डिहाइड का क्या बनाना है? 2-4 डाई नाइट्रोफिनाइल, 2-4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रे जोन बिल्कुल बना देंगे। ये तो रिएक्शन मैंने आपको करा रखा है, देखो कैसा होता है भाई। बेंजल डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? CHO, और CHO का CH बचता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बेंजीन, और बेंजीन रिंग के दूसरे पोजीशन पे NO2 हो जाता है। दूसरे पे ही तो होता है NO2, 1, 2, 3, 4 और चौथे पोजीशन पे NO2 होता है। ऐसा होता है बेटे कंपाउंड। देखो बेंजल डिहाइड का तो इतना हिस्सा आया, 2-4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, 2 और 4 पे दो नाइट्रो हैं, फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक है, ये हाइड्रोजोन है, यहाँ था NH सिंगल बॉन्ड, NH2 था, इसका तो H2 निकला, इसका O निकला। तो इस तरीके से हमें डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 2 पे, देखते हैं नंबर 2 में क्या कहा है इन्होंने। इसमें कहा है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम, साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम बिल्कुल बन जाएगा। साइक्लोप्रोपेनोन तो बना दोगे आप, ये होता है साइक्लोप्रोपेनोन।
डबल बॉन्ड ओ था यहाँ, अब ओ चला गया वहां से, एन है और उसके साथ जुड़ गया है ओ एच, तो ये होता है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। मैंने बहुत सारे ऑक्साइम आपको रिएक्शंस में बनवाए हैं, वहां आपको याद होगा कि ऊपर एन ओ एच ही जुड़ता है डबल बॉन्ड से। नंबर तीन देख लो जरा, नंबर तीन एसीटल डिहाइड डाई मिथाइल एसीटल, एसीटल डिहाइड डाई मिथाइल एसीटल, एसीटल बनाना सिखाया था ना। देखो इन्होंने कहा है एसीटल डिहाइड, तो एसीटल डिहाइड ऐसा ही तो होता है, CH3CHO, ओ तो निकल गया, उसकी जगह आए हैं एसीटल, ऐसा होता है जिसमें दो दो क्या होते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप, और इन्होंने कहा है डाई मिथाइल, तो हमने दो मिथाइल वाले एल्कॉक्सी ग्रुप बनाए, ऐसा होता है एसीटल। ठीक है बेटे, ये भी कंपाउंड हमने बनाया था रिएक्शन में। नंबर चार देखो क्या है, नंबर चार पे इन्होंने दिया है साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बाजोन, साइक्लो ब्यूटेनॉन का सेमी कार्बेजोन बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है बेटे, देखो साइक्लोब्यूटेन तो ऐसा ही होगा, और इसमें क्या जोड़ना है डबल बॉन्ड से एन एन एच और सी ओ एन एच टू बन गया लो। ठीक है, आप आते हैं नंबर पांच पर, नंबर पांच देखो क्या है, नंबर पांच पे इन्होंने दिया है हेक्टेन थ्री ऑन का इथाइलीन कीटल, हेक्सेन थ्री ऑन का इथाइलीन कीटल, इथाइलीन कीटल बहुत आसान है, हेक्सेन थ्री ऑन, छह कार्बन है, तीसरे नंबर पे कीटोन है, छह कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, देखो 1 2 3, तीसरे पे जोड़ना है हमें इथाइलीन कीटल जैसी चीज, यानी कि देखो इस तरह तो जुड़ेगा, इथाइलीन से CH2 CH2 लिया है हमने, देखो बन गया इथाइलीन कीटल, ऐसा कंपाउंड भी मैंने आपको बनवाया था। और नंबर छह पे देखो क्या है, नंबर छह यहां लिखता हूं, नंबर छह, नंबर छह पे इन्होंने दिया है फॉर्मल डिहाइड का मिथाइल हैमी एसीटल, फॉर्मल डिहाइड का मिथाइल हैमी एसीटल, देखो फॉर्मल डिहाइड का मतलब HCHO, और मिथाइल हैमी एसीटल बनाना है ना, देखो HCHO और हमें बनाना है हैमी एसीटल, उसमें एक तरफ तो होता है OH, एक तरफ होता है एल्कॉक्सी ग्रुप और मिथाइल कहा है, तो मिथाइल ग्रुप जोड़ूंगा ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया आपका फॉर्मल डिहाइड का मिथाइल हैमी एसीटल। ठीक है बेटे, फॉर्मल डिहाइड का मिथाइल हैमी एसीटल, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर पांच। ठीक है बेटे, कौन सा क्वेश्चन हुआ है पांचवा, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन करेंगे हम, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो बेटे अब आए हैं हम क्वेश्चन नंबर छह पर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड का निम्न के साथ अभिक्रिया कीजिए, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड की निम्न के साथ, निम्न के साथ अभिक्रिया कीजिए,
है, तो हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड के कुछ रिएक्शंस लिखने हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है नंबर एक पे, नंबर एक पे दिया है इन्होंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर कहा है तत्पश्चात कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है जल अपघटन H3O पॉजिटिव से। तो पहले इससे क्रिया करनी है, फिर H3O पॉजिटिव से। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड क्या होता है, देखो ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन है और कार्बन डिहाइड है, तो इसका मतलब CHO है, ये जोड़ दिया CHO, यही तो होगा। जब इसके ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, जबी तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड होगा। पहले कहा इन्होंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तीर के ऊपर लिखता हूँ, फिनाइल को आप लिख सकते हो C6H5MgBr, ये लिख दिया हमने। अब आपको पता है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड एक तरफ तो जुड़ेगा C6H5, एक तरफ जुड़ेगा MgBr। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, ऐसी रिएक्शन पहले भी मैंने कई बार कराई है। ये तो आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ये कार्बन है, सबसे नीचे मान लो हमने ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऐसे जोड़ना चाहो ऐसे, नहीं तो ऐसे ही जोड़ दो, ये तो हाइड्रोजन है। और एक जुड़ा है C6H5 ग्रुप, ये भी मैं यहाँ जोड़ दूँ, C6H5 जुड़ गया कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ आया है MgBr। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है बेटे। अब इन्होंने कहा है कि इसका जल अपघटन भी करना है H3O से, तो आप H3O पॉजिटिव लिख दो या H2O/H पॉजिटिव लिख दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ OH, MgOHBr तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा, ये तो आया आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ये आया कार्बन, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर जुड़ा हुआ है OH। तो इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है बेटे। इसे आप कह सकते हो साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल, इसे आप कह सकते हो साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल भी है, फिनाइल भी है, ठीक है, कार्बिनॉल है, देखो एक कार्बन वाला OH, तो इस तरीके से इसका नाम साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल हुआ है। नंबर दो देखते हैं क्या दिया है। नंबर दो पे ये कह रहे हैं कि रिएक्शन करो टॉलेन अभिकर्मक के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेन अभिकर्मक। तो ये तो रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है आपको, टॉलेन अभिकर्मक वाली। देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल के ऊपर CHO ग्रुप, जिसे आप कहते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। तो टॉलेन अभिकर्मक में मैंने आपको सिखाया है कि दो तो आपको लेने होते हैं Ag(NH3) का होल ट्वाइस पॉजिटिव, और तीन लेने होते हैं OH-। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ये इतना हिस्सा टॉलेन अभिकर्मक का है, ये इतना हिस्सा किसका है, टॉलेन अभिकर्मक का। तो क्या होता है कि ये जो CHO ग्रुप है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टॉलेन अभिकर्मक एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO कन्वर्ट हो जाएगा C00- में, साथ में रजत दर्पण बनेगा, साथ में क्या बनेगा बेटे, रजत दर्पण, ठीक है, ये चांदी का अवक्षेप बनेगा, और अमोनिया गैस भी बनेगी, ठीक है बेटे, क्या बनेगी, अमोनिया गैस। देखो ये रिएक्शन कराई थी ना मैंने आपको, ये रिएक्शन कई बार करा दी, यहां ध्यान रखना है कि
तो Ag बनेंगे, 4 NH3 बनेंगे और साथ में H2O भी बनेगा। आप लिख सकते हो 2H2O। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन आपको पहले भी कराई जा चुकी है कई बार। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो है ना सिल्वर का चांदी का अवक्षेप, इसे हम कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं बेटे? रजत दर्पण, इसे कहते हैं रजत दर्पण। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया होती है साइक्लोहेक्सेन कार्बलडिहाइड की। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे इन्होंने दिया है सेमी कार्बेजाइड वह दुर्बल अम्ल। सेमी कार्बेजाइड वह दुर्बल अम्ल, सेमी कार्बेजाइड है और दुर्बल अम्ल है, इनके साथ रिएक्शन करनी है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, पहले भी कई बार कराई है आपको। ये तो आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, इसके ऊपर CHO है, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बलडिहाइड। इसके ऊपर रिएक्शन करानी है हमें सेमी कार्बेजाइड की। देखो NH2 के बाद क्या होता है? NH होता है और फिर होता है CONH2, ऐसा ही तो होता है सेमी कार्बेजाइड। दुर्बल अम्ल की जगह H पॉजिटिव लिख दिया, तो आपको बताया यहां से तो O निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? H2, ये निकल जाएगा H2O। मेन प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये तो हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और ये हो गया यहाँ जुड़ा हुआ CH डबल बॉन्ड N और फिर सिंगल बॉन्ड NH और फिर CONH2। इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है बेटे, इसका नाम आप लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड सेमी कार्बाजोन। भाई साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड का सेमी कार्बाजोन है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड का सेमी कार्बेजोन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए। ये रिएक्शन यूं समझ लो कि रिपीट हो रही हैं, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई हैं। नंबर 4 पे आ जाओ बेटे। नंबर 4 पे इन्होंने दिया है इथेनॉल का आधिक्य तथा अम्ल, ये भी रिएक्शन कराई है मैंने। इथेनॉल का आधिक्य यानी अधिकता में होना चाहिए और अम्लीय माध्यम होना चाहिए, बहुत आसान रिएक्शन है, बस थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ती है बेटे। थोड़ा बार बार जब हम रिएक्शन को लिखते हैं ना तो हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती जाती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहा करो। देखो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल को ही तो कहते हैं, ये लिख दिया इथेनॉल, ये रिएक्शन भी मैंने आपको कराई थी। अम्ल की जगह एस पॉजिटिव लिख दिया, यहां देखो कराई थी ना ये रिएक्शन, ये निकल गया H2O और प्रोडक्ट आपको बताइए क्या बनेगा? ये आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ये CH है, CH के ऊपर एक तो इथॉक्सी ग्रुप ये जुड़ गया और एक इथॉक्सी ग्रुप ये जुड़ गया। कितने इथॉक्सी ग्रुप जुड़े बेटे? 2। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड डाई इथाइल एसीटल। नाम लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, कितने इथाइल हैं? 2। डाई इथाइल एसीटल, ठीक है, ऐसा ही तो होता है एसीटल जिसमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है बेटे, फिर इन्होंने कहा है नंबर 5 देखते हैं आ जाता है क्या। नंबर 5 में कहा है जिंक अमलगम व तनु HCl, जिंक अमलगम
अमलगम का मतलब होता है पारी के साथ बना मिश्रण। यही लिख दूं इधर, वे तनु माने डाइल्यूट HCl। तो क्या होगा कि आपके पास ये है, यहाँ लिख दूं CHO, ये तो आपके पास CH डबल बॉन्ड O है, साइक्लोहेक्साइल कार्बन डिहाइड। इसके ऊपर जिंक मरकरी HCl का जब आप यूज करोगे, देखो ऐसे लिखता हूं मैं, जिंक और मरकरी के मिश्रण को कहते हैं जिंक एमलगम। इसके ऊपर जब आप HCl डालोगे तो नवजात हाइड्रोजन मिलेगी, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 4H, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो इधर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे इधर, H2O तो निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, निकल गया। मेन प्रोडक्ट आएगा ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है, इसे हटाओ रिंग को अंदर से, क्या है बेटे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल कार्बन डीआईडी तो है। और इसके ऊपर आ जाएगा सी एच, कितने होंगे, एक तो पहले था, दो नए आए, CH3, ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, क्या नाम है इसका, मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, यहां लिख दो इसका नाम। अच्छा एक बात और है बेटे, ये जो रिएक्शन है ना, जो हमने अपचयन किया है जिंक मरकरी और HCl के साथ, इस अपचयन को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्या कहते हैं बेटे, क्लीमेंसन अपचयन, पेपर में आ जाता है ना नाम से रिएक्शन, इसे कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से, या निम्न में से अभिक्रिया नहीं, अभिकर्मक दिए हैं इन्होंने रिएजेंट, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन होगा, किसमें एल्डोल संघनन तो पढ़ाया था मैंने आपको, संघनन होगा वे किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होगी, कैनिजारो अभिक्रिया होगी, ये पहचानना है आपको, और फिर रिएक्शन भी करके दिखानी है, ठीक है बेटे। एल्डोल संघनन के बारे में बताना है किसमें होगा, और कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बताना है किसमें होगा। देखो एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई आपके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला, मान लो कोई ऐसा यौगिक है जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, ठीक है, ध्यान से समझो, पहले भी समझा रखी है ये बात मैंने। देखो मान लो कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड या कीटोन है, तो पक्की बात है कि वो एल्डोल संघनन दिखाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, एल्डोल संघनन दिखाता है, ध्यान रखोगे। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिसके पास होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो एल्डोल संघनन जरूर दिखाएगा, ये बात पक्की है, बिल्कुल एकदम, ये चीज बहुत काम आएगी हमारे इस क्वेश्चन में। और बेटे नंबर 2, एक बात और बताता हूं, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, क्या हुआ इसमें चौक में, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, चौक में पता नहीं क्या हो गया,
अल्फा हाइड्रोजन। अनुपस्थित। वाला एल्डिहाइड यदि आपको कोई दिखाई देगा ना बेटे, कौन दिखाई देगा? अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ना हो ऐसा एल्डिहाइड। कीटोन की बात नहीं कर रहे हम बिल्कुल भी। वे दिखाते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन भी मैंने आपको सिखा रखी है। क्या दिखाते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। दिखाता है। देखो कीटोन तो कभी कैनिजारो रिएक्शन दिखाते ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखनी है ये दो बात। और देखो एक बात बताता हूं, चलो जो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, मान लो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है और वो क्या है, वो कोई कीटोन है। क्या है? कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला जो कीटोन होगा ना बेटे, वो कीटोन दोनों में से किसी भी अभिक्रिया को नहीं दिखाता है। किसी भी अभिक्रिया को नहीं दिखाता है, ठीक है बेटे? बस ये बात ध्यान रखनी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इन्होंने दिया है, नंबर फर्स्ट पे देखते हैं क्या है। नंबर फर्स्ट पे इन्होंने दिया है हमें मीथेनल। नंबर फर्स्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो नंबर फर्स्ट पे इन्होंने दिया है, ऐसे लिख दें रोमन पद्धति में, मीथेनल। मीथेनल तो इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, HCHO। हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन दिखाएगा ये और कैसे दिखाएगा, ठीक है? बताइए फिर। देखो इसके बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। यहाँ अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला एल्डिहाइड क्या दिखाएगा? कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कैनिजारो रिएक्शन। कैसे दिखाएगा? देखो ये फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु ले लो आप और इनका रिएक्शन करा दो आप NaOH के साथ। 50% NaOH करके हमने लिखा था जब हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे थे। क्या लिखा था? 50% NaOH, ठीक है? कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं बेटे हम? कर रहे हैं कैनी जारो अभिक्रिया। क्या होता है कि HCHO में से एक अणु का तो हो जाता है अपचयन। क्या हो जाता है? अपचयन। और एक अणु का हो जाता है ऑक्सीकरण। तो अपचयन होगा तो बनेगा CH3OH और ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा CH3। CH3 नहीं, H। फॉर्मल्डिहाइड है ना ये, फॉर्मल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीकरण करोगे NaOH से तो बनेगा HCOONa, ठीक है? ये तो मिथाइल अल्कोहल है, ये सोडियम फॉर्मेट है या फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट कह दो। तो इसमें कैनिजारो अभिक्रिया क्यों दिखाई है आपको पता है ना? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ही तो कार्बन है इसके पास। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ऐसा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है। और कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या करते हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं दो अणुओं को लेकर। एक का तो हो जाता है रिडक्शन और एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। नंबर दो पे देखते हैं क्या है। नंबर दो पे इन्होंने दिया है 2-मिथाइल पेंटेनल। 2-मिथाइल पेंटेनल। 2-मिथाइल पेंटेनल। अब देखो एक बात, दूसरे नंबर पे मिथाइल है और पेंटेनल माने पांच कार्बन है, पांच कार्बन वाला एल्डिहाइड।
पांच कार्बन वाले एल्डिहाइड की एक गारंटी तो है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जरूर होंगे, और जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल संघनन दिखाते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये दिखाएगा। अब सवाल यह है कि कैसे दिखाएगा, बस वही समझना है। टू मिथाइल पेंटेनल, पांच कार्बन वाला, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन हुए, दो, तीन कार्बन और चार कार्बन और पांच कार्बन, नीचे जोड़ देता हूं, पांच कार्बन, और यहां जुड़ा हुआ है CHO। देखो 1 2 3 4 5, टू पे मिथाइल है और पांच कार्बन वाला एल्डिहाइड है पेंटेनल। तो एक तो पेंटेनल का अणु ये लिया हमने, अब एक और पेंटेनल का अणु लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। देखो प्लस करके लिखता हूं, ये वाला जो CH है इस CH को बनाता हूं यहां, ठीक है, बना लिया ये CH, तो ये बना लिया, और इस CH के साथ क्या क्या है, एक तो जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़ा हुआ है इसके ऊपर CHO, तो एक CH3 जोड़ दो, कहाँ जोड़ू, CH3 ऊपर जोड़ दू, एक तो CH3 ये जोड़ दिया और एक जोड़ दिया CHO ये। अब क्या है, एक दो तीन कार्बन और जोड़ने हैं इसके ऊपर, तीन कार्बन जोड़ दो आप इसके ऊपर, एक दो और तीन, देखो देखो टू मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, टू मिथाइल पेंटेनल। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने इस तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे और इसका ऐसे क्यों बनाया, इसका कारण है तो ये दोनों एक ही संरचना है, पर इनका डिजाइन थोड़ा इसलिए बदला है क्योंकि मुझे इस डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है दोनों को जोड़ने के लिए, और ये जो हाइड्रोजन है देखो ये इसके बराबर वाले हाइड्रोजन कार्बन को आप इसे कहोगे अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, ये यहाँ आ जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, क्योंकि वहां तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, देखो जरा ध्यान से, एक दो तीन कार्बन बनाओ पहले, CH3 CH2 CH2 बन गए तीन कार्बन, और उसके बाद CH और नीचे CH3, ये CH बन गया और इसके नीचे जुड़ा हुआ है CH3, उसके बाद फिर CH और सिंगल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, नीचे सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ेगा, H आ गया OH, तो यहां जोड़ दिया हमने CH और नीचे जोड़ दिया OH, ठीक है, उसके बाद यहां एक बॉन्ड बन गया और उस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है C, ये बॉन्ड बन गया, सी जुड़ा हुआ है, ऊपर क्या है इसके CH3 है, नीचे क्या है CHO है, देखो ऊपर CH3 नीचे CHO, फिर कितने कार्बन जोड़ने हैं, तीन, एक दो तीन, तो इस पे जोड़ने हैं CH2 CH2 CH3, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन में दो बातें ध्यान रखनी है कि ये डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, मतलब मीडियम आप अम्लीय ले लो या क्षारीय, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, दूसरे नंबर का कंपाउंड एल्डोल संघनन दिखाएगा। अब बात आती है कि सर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यदि आप इसका नाम लिखना चाहते हो ना तो आप नंबरिंग यहां से करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये भी तो है 7, और ये सारे हैं, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, देखो मतलब हमें पता है कि हेप्टेनल है, सात कार्बन वाला एल्डिहाइड हेप्टेनल, पर 3 पे तो हाइड्रोक्सी है और 2 और 4 पे मिथाइल है, एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, प्रोपेन भी तो है, प्रोपाइल ग्रुप, तो इसका मतलब 3 पे तो हाइड्रोक्सी है, नाम यदि इसका लिखना हो यहाँ लिख दूँ नाम, इसका नाम हो जाएगा 3 पे तो है हाइड्रोक्सी,
थ्री हाइड्रोक्सी टू फोर डाई मिथाइल, टू फोर डाई मिथाइल, मिथाइल एम से शुरू होता है ना, और टू प्रोपाइल, दूसरे नंबर पे प्रोपाइल है देखो, और सात कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या नाम होता है सात का, हेप्ट, हेप्टेनल, ये होगा इसका नाम। थ्री हाइड्रोक्सी टू फोर डाई मिथाइल टू प्रोपाइल हेप्टेनल, ये इसका नाम होगा यूपीएससी में जो प्रोडक्ट बनाए। नंबर थर्ड देखते हैं, अच्छा क्या है नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे इन्होंने हमें दिया है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड दिया है बेटे, बेंजल डिहाइड, कि बेंजल डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा या फिर एल्डोल संघनन दिखाएगा। देखो बेंजल डिहाइड को देखते हैं, दो अणु लिए हमने C6H5CHO के, देखो भाई मेन कार्बन तो यह है, इसके बराबर वाला कार्बन, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, ऐसा ही तो होता है बेंजल डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड है, तो अल्फा कार्बन तो ये है, बताओ अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या यहाँ? आपको पता है कि यहाँ चार बॉन्ड होंगे, एक सिंगल सिंगल और एक जगह डबल बॉन्ड भी तो होगा, इन तीनों में से एक डबल बॉन्ड होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। जैसे मैं इस गोले को यहां से हटा दूं, अंदर जो गोला बनाया है, ऐसे ही तो बनाओगे आप इन्हें बॉन्ड्स को। तो बताओ इस कार्बन पे जो इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन है, इसी तो हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हैं, एक दो तीन चार बॉन्ड हैं, तो हाइड्रोजन तो बेटे होगा ही नहीं यहाँ पे, और जब हाइड्रोजन यहाँ पर होगा नहीं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला एल्डिहाइड, क्या दिखाता है कैनिजारो रिएक्शन, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा बस। तो आप क्या करोगे, दो अणु लोगे C6H5CHO के, और उन्हें NaOH के साथ 50% NaOH कह दो गर्म करोगे, तो इनमें से एक अणु का तो हो जाएगा क्या ऑक्सीडेशन, और एक का हो जाएगा अपचयन, तो जिसका अपचयन होगा वो तो बनेगा C6H5CH2OH, ठीक है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो बनेगा C6H5COONa, C6H5COONa, इस तरह के दो प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें मिलेगा। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, रिएक्शन तो आपको पता ही चल गई कौन सी है, कैनिजारो है, कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, देखो क्या है ये, बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल, एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, और ये क्या है सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट, ये बेंजाइल एल्कोहल है और ये है सोडियम बेंजोइट, ठीक है बेटे। तो हमें पता चला कि जो बेंजल डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दिखाएगा कैनिजारो रिएक्शन। नंबर चार पे आते हैं, चलो देखते हैं नंबर चार क्या है, नंबर चार दिया है इन्होंने बेंजो फिनोन, बेंजो फिनोन को देखो अच्छा ध्यान से, बेंजो फिनोन ऐसा होता है कि इधर भी बेंजीन रिंग है, ए बेंजीन रिंग, बीच में सीओ है और इधर भी बेंजीन रिंग है, यही तो होता है बेंजो फिनोन। आप या फिर दोनों तरफ C6H5 लिख दो, बेंजीन रिंग नहीं बनानी है, तो मेन कार्बन तो ये है, इसके बराबर वाला अल्फा या तो ये हो सकता है या तो ये, ना तो इस वाले अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना तो इस पे, तो कीटोन है जिसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला कीटोन, दोनों में से किसी भी अभिक्रिया को नहीं दिखाता है, यदि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता तो दिखा सकता है, ये क्या कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले दिखाते हैं एल्डोल संघनन, और यदि इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और ये एल्डिहाइड होता तो दिखाता कैनिजारो रिएक्शन, देखो इसने नहीं दिखाई कैनिजारो रिएक्शन, ये भी तो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है,
तो यहां हम लिखेंगे कि यह दोनों में से, दोनों का मतलब एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया, यह दोनों में से कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो सबसे शुरू में मैंने लिखवाए हैं ना, ये बहुत काम के हैं बेटे, तीनों पॉइंट। ये हुआ नंबर 4। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन करा रहा, चलो इसके अगले नंबर 5 ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, नंबर 5 पे है बेटे, नंबर 5 पे दिया है साइक्लोहेक्सेनॉन। देखो ध्यान से समझेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसा होता है, साइक्लोहेक्सीन ले लो, ये साइक्लोहेक्सीन है, और डबल बॉन्ड ओ, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। अब क्या होता है कि देखो एक बात, आपको ये मेन कार्बन ये वाला है, और इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है, इसपे भी 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कहीं भी बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होंगे। जैसे आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, 2 बॉन्ड हैं, तो 2 की कमी है, वो 2 की कमी कौन पूरे कर रहे होंगे, हाइड्रोजन ही तो पूरे कर रहे होंगे बेटे। और इसी तरीके से एक अणु और ले लो, हमें पता चला है इसके पास क्या है, इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, और यदि किसी कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डोल संघनन दिखाता है। क्या दिखाता है, एल्डोल संघनन। तो यहाँ एल्डोल संघनन आपको देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे मैं कह दूं कि मान लो इसका एक हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया आपको, है तो इसमें भी पर इसका दिखा दिया, तो क्या होता है कि इसमें से डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड तो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, इन्हें जोड़ने के लिए, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को, ध्यान से देख लो, इस कार्बन को और इस वाले कार्बन को जोड़ेगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी करने के लिए यहां चला जाएगा। ये रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, और रिएक्शन का नाम है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटे, कैसे होगा देखो, ये बना दिया मैंने एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये OH। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनना है, देखो यहां बनना है बॉन्ड, यहाँ बस, यहाँ बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं, इस बॉन्ड को देख लो ध्यान से, क्योंकि वो हाइड्रोजन वहां गया, यहीं से ही तो संयोजकता कम हुई, और यहां से बॉन्ड गया तो यहीं से ही तो हुई, तो इसका तो ये वाला कार्बन और इसका ये वाला कार्बन, ये जुड़ेंगे, यहां मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड ओ, तो इस तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा, और इस कंपाउंड में आप नाम लिख सकते हो, इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि इस पे नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, इस पे 1 2 यहां से होगी, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग, और 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग, तो हमें पता चला है कि दूसरे नंबर पे, यानी कि इसके दूसरे नंबर पे यहां लिख दूं, और पहले नंबर पे हाइड्रोक्सी भी है, मतलब इसके दूसरे कार्बन पे जो जुड़े हुए हैं उनके पहले नंबर पे हाइड्रोक्सी है, और पहले नंबर पे ही क्या है, साइक्लो हेक्साइल, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 1 हाइड्रोक्सी 1 साइक्लो हेक्साइल, भाई पहले नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो 1 हाइड्रोक्सी और 1 पे ही है साइक्लो हेक्साइल, क्या है, साइक्लो हेक्साइल, ये तो ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो जो दूसरी तरफ, यानी कि लास्ट में जो हमने साइक्लोहेक्साइल के ऊपर डबल बॉन्ड ओ करके लिख रखा है, उसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्टेन ही तो लिखोगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, देखो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, 1 2 3 4 5 6, 1 पे ही तो है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन है, पर साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन के दूसरे कार्बन पे ये चीज जुड़ी हुई है, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है,
वन हाइड्रोक्सी वन साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेनॉन जो लिखा है ना हमने, ये तो ये कंपाउंड है, और इसके दूसरे नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर पे जो जुड़ा हुआ है उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है बेटे, तो कौन सा रिएक्शन इसने दिखाया है? एल्डोल संघनन। क्या दिखाया बेटे? एल्डोल संघनन। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, देखते हैं नंबर 6 क्या है। नंबर 6 पे इन्होंने दिया है वन फिनाइल प्रोपेनोन, वन फिनाइल प्रोपेनोन, वन फिनाइल प्रोपेनोन को देखते हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो बेटे यहां तो हम लिखते हैं C6H5, वन फिनाइल है ना, और यहां लिखते हैं C और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्रोपेनोन है ना, एक कार्बन दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, एक तो कंपाउंड ये बना दिया हमने एक अणु। दूसरा अणु बनाते हैं हम, देखो CH2, ये वाला CH2 बनाया, और CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है CO, ये बना दिया CO, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है C6H5, पर इसी CH2 पे जुड़ा हुआ है CH3। ऐसा ही तो है बेटे, अभी क्या होगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी करने के लिए। ये रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, और रिएक्शन को आप कहोगे एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटे, कैसे होगा? देखो C6H5 ये बना दिया C6H5 सिंगल बॉन्ड, C ये बना दिया, ऊपर कौन है? CH2 CH3 है, नीचे सिंगल बॉन्ड से OH आ गया, और इधर देखो बॉन्ड से यहाँ क्या है? CH, ये जुड़ गया CH, और यहाँ जुड़ गया क्या? CH3, और यहाँ जुड़ गया CO, और यहाँ जुड़ गया C6H5। तो इस तरह हमें एल्डोल संघनन देखने को मिलता है। ठीक है बेटे, क्या मिलता है? एल्डोल संघनन। यदि आप इस पे नंबरिंग करना चाहते हो ना, तो नंबरिंग आप ऐसे कर सकते हो, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये आपका फिनाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, ये भी फिनाइल है, तो इसका मतलब 3 पे तो हो गया हाइड्रोक्सी और 2 पे हो गया मिथाइल और 1 3 पे हो गया डाई फिनाइल, और ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन वाला एल्केनॉन है, तो आप लिख सकते हो पेंटेन वन ऑन। तो तीसरे नंबर पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहां लिख दूं बेटे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल है, 2 मिथाइल और 1 3 डाइफिनाइल, 1 3 डाई फिनाइल और 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन, पेंटेन वन ऑन, इस तरह होगा इसका नाम। ठीक है बेटे, अच्छा देखते हैं नंबर 7 क्या है। नंबर 7 देखो, 7वां नंबर क्या दिया है? 7वां नंबर दिया है फिनाइल एसीटल डिहाइड, फिनाइल एसीटल डिहाइड। चलो फिनाइल एसीटल डिहाइड को देखते हैं, अभी आप बता दोगे। देखो फिनाइल तो ये लिख दिया मैंने C6H5, और एसीटल डिहाइड CH2 CH डबल बॉन्ड O। देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना, है तो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। देखो ये लिख दिया मैंने CH2, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था पहले उसे ही लिखा, और इस पे एक जुड़ा है C6H5, इसके ऊपर एक C6H5 है और एक जुड़ा है इसके ऊपर CHO, दो अणु ले लिए। आपको पता है इसमें से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन यही तो है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ शिफ्ट करेगा एक हाइड्रोजन, प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा। देखो लिख लो आप डाइल्यूट
NaOH, और रिएक्शन ही तो देखनी थी हमें कौन सी होती है, एल्डोल संघनन। ठीक है, क्या होएगा? C6H5CH2 लिख दिया, C6H5CH2, ये CH है। अब देखो O के साथ कौन आया, H, ये आ गया OH। फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या बचेगा, आगे तो बेटे CH ही बचेगा, यहाँ तो CH बचेगा, नीचे जुड़ा हुआ है C6H5, और इधर जुड़ा हुआ है CH2। ठीक है बेटे, तो मुख्य श्रृंखला तो आपको नजर आ रही होगी, यही तो है मुख्य श्रृंखला। देखो 1, 2, 3, 4 साइड चेन, फिनाइल फिनाइल और हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी है, 2, 4 डाइफिनाइल है और ब्यूटेनल है। 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पे हाइड्रोक्सी है ना, 2 और 4 पे फिनाइल है, 2,4 डाइफिनाइल। बताओ, 4 कार्बन वाला है एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनल। 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, ब्यूटेनल। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा नंबर, कौन सा था ये, 7वां था। नंबर 8 पे आते हैं, चलो नंबर 8। 8, ब्यूटेन वन ऑल। अरे ये कहाँ से आ गया है, हाँ ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल को देखो तो सही क्या है। देखो, एक दो तीन चार OH, ये है ब्यूटेन वन ऑल। ना तो ये कोई एल्डिहाइड है, ना तो ये कोई कीटोन है, ये तो एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल। तो आप नीचे लिख दोगे एल्कोहल, दोनों में से किसी भी अभिक्रिया को नहीं दिखाते हैं। ठीक है बेटे, जो एल्कोहल हैं वे तो ना तो एल्डोल संघनन दिखाते हैं और ना ही कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, एक पार्ट और रह गया इसका, उसे भी देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, नंबर 9 देखो क्या है बेटे। नंबर 9 पे दिया है इन्होंने 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। देखते हैं, चलो ब्यूटेनल का मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है एक नीचे। ब्यूटेनल का मतलब एल्डिहाइड है, ये है देखो 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनल, दूसरे पे 2 मिथाइल हैं। अब मुझे यूं बताओ, अल्फा कार्बन यही तो है, ये अल्फा कार्बन है, बताओ इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? जब अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और दिया गया यौगिक एल्डिहाइड है, तो ये दिखाएगा कैनिजारो रिएक्शन। क्या दिखाएगा, कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। आप इसका रिएक्शन 50% NaOH के साथ कर दो, या सांद्र NaOH लिख दो, और यहाँ लिख दो कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि हमें रिएक्शन ही तो बतानी थी कि ये रिएजेंट कौन सा रिएक्शन दिखाता है और कैसे दिखाता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, देखो एक का तो हो जाएगा अपचयन, एक का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो एक तो हम CHO का अपचयन करेंगे तो CH2OH, चलो लिख देते हैं CH3CH2C, एक CH3 ऊपर है एक नीचे है और यहाँ है CH2OH, ये तो हुआ अपचयन। और एक का होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा तो CH3CH2C, एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है, और यहाँ लिख देंगे हम, बताओ COOH, ऐसे ही तो लिखेंगे। एच क्या, Na लिखो, क्योंकि Na के साथ कर रहे हैं ना रिएक्शन, Na लिख दो आप, NaOH से ही तो कर रहे हो।
तो इस तरह के दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। यदि आप इनके नाम लिखना चाहते हो ना, तो 1, 2, 3, 4, 2, 2-डाइमिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, 2, 2-डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑल है ना, ब्यूटेन वन ऑल, ये तो इसका नाम हो गया। और ये 1, 2, 3, 4, ये तो सोडियम साल्ट है। किसका सोडियम साल्ट है? ये है 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनोएट। सोडियम ब्यूटेनोएट है ना, तो आप लिख सकते हो सोडियम 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनोएट साल्ट है ना, ये सोडियम साल्ट। तो इस तरीके से बेटे आपको पहचान कर लेनी चाहिए। मैंने आपको 3 बातें सिखाई थी, देखो यहां लिखता हूं हेडिंग नोट, 3 बातें सिखाई थी। क्या सिखाया था? नंबर 1 पे तो मैंने आपको सिखाया था कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, या कीटोन है। यदि अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन दिखाएगा। ये बात सिखाई थी ना बेटे। नंबर 2 पे आपको सिखाई थी कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं बेटे हम, दिखाएगा कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। और नंबर 3 पे आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला कीटोन, यदि कोई कीटोन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो दोनों में से किसी भी अभिक्रिया को नहीं दिखाता है। ठीक है बेटे, यदि ये 3 पॉइंट आपके समझ में आते हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। बस बेटे आपने एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुनी है ना कहावत, कि आपको लगातार परिश्रम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक दिन तो आप 10 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे पढ़ लिए और एक दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है रेगुलर पढ़ने की। यदि आपको रेगुलर पढ़ने की आदत पड़ गई है, तो समझ जाओ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। और यदि आपको रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है, किसी दिन तो आप पूरे दिन पढ़ते हो, पूरी रात पढ़ते हो और 10 दिन तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, तो ऐसी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। काम थोड़ा करो पर रेगुलर करो, आपका जो है रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी आपके काम में होनी चाहिए। ठीक है बेटे, बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।